बैक टू माय चैनल सिंपल होम टिप्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक इंडक्शन का रिव्यू जो कि है फिलिप्स का बीवा कलेक्शन और इसका मॉडल है HD4928/01। यह 2100 वाट का है। इसको आप 120 वाट से लेकर के 2100 वाट तक यूज कर सकते हैं। इसको मैंने 2 महीने पहले ही परचेज किया था अमेजोन से और उस टाइम इसका प्राइस था 2349 यानी 2349 रुपीज। तो इसका रेट कुछ घटिया बढ़ सकता है, तो अगर आप इसको परचेज करना चाहेंगे तो मैं इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप उस लिंक पर जाकर के इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। इस पर 1 ईयर का वारंटी मिलता है। लुक वाइज काफी ब्यूटीफुल है, आप देख सकते हैं। इसका बटन जो है वो पुश बटन है। इसके अगर टोटल लेंथ की बात करें तो ये 14 इंच है और इसका विड्थ जो है वो 11 इंच का है। और जो हीटिंग एरिया है यानी यहां से लेकर यहां तक, इसका लेंथ है 10 इंच। तो सबसे पहले इसके कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं। इसमें जो सबसे पहला बेस्ट फीचर है वो है ऑटो ऑफ फैसिलिटी। अगर हम इसका स्विच ऑन करने के बाद अगर कुछ देर तक कोई भी बटन प्रेस नहीं करते हैं या इस पे कोई कुकवेयर हम नहीं चढ़ाते हैं तो यह ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाता है। इस पे हम 12 सेंटीमीटर से लेकर 20 सेंटीमीटर के डायमीटर का कुकवेयर इस पे यूज कर सकते हैं। इसका जो मैक्सिमम लोड कैपेसिटी है वो है 8 kg, जिसमें कि आपका कुकवेयर और उसमें जो भी चीजें आप कुक कर रहे हैं वो इंक्लूड करके होना चाहिए। इसमें हम 0 से 3 आवर्स तक की टाइम सेटिंग कर सकते हैं। और इसका जो ऊपर का सरफेस है ये टेम्पर्ड ग्लास का बना हुआ है, तो अगर हम कुकिंग करते हैं तो उसके बाद ये जो एरिया है ये थोड़ा बहुत गर्म होता है, लेकिन थोड़ी देर में ही ये कूल हो जाता है। यह काफी लाइट वेट है, इसको हम इजीली कहीं भी कैरी कर सकते हैं। अगर आपको कहीं भी इसको ले जाना है किसी पार्टी फंक्शन में तो आप इसको इजीली कैरी कर सकते हैं। इसका वेट सिर्फ 2.1 kg है। और इसका वायर आप देख सकते हैं, इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है क्योंकि यह फिलिप्स कंपनी का है तो हम इस ब्रांड पर ट्रस्ट कर सकते हैं। अब इसका बैक साइड हम पहले देख लेते हैं। इसके बैक साइड पर एक फैन है जिससे कि इसका हीट बाहर निकलता रहता है और इस साइड भी 3 साइड वेंट दिया हुआ है जिससे कि हीट जो है यहां से यहां आता है और यहां से निकलता रहता है। तो अब हम चलते हैं फिर से वापस फ्रंट की तरफ। इसको आप हमेशा ऐसे ही ओपन एरिया में रखें, किसी भी बॉक्स वगैरह में ना रखें ताकि इसका जो हीट है वो प्रॉपरली निकलता रहे। अगर हम किसी बॉक्स में रख देंगे तो एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहेगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से बटन दिए गए हैं। तो इंडियन कुकिंग के हिसाब से यहाँ पर 6 बटन दिए गए हैं। अगर आप प्रेशर कुक करना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रेशर कुक का ऑप्शन है, स्लो कुक मोड है, स्टर फ्राई है, ग्रेवी का मोड है, रोटी या डोसा बनाते हैं तो ये मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, और मैनुअल मोड है जिसमें कि आप अपने अकॉर्डिंग टेम्परेचर कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ये है ऑन ऑफ का बटन, ये है पाउज बटन कि अगर कुकिंग करते टाइम आपको बीच में इसको रोकना है तो आप पाउज बटन प्रेस कर सकते हैं। ये माइनस प्लस है जिससे कि टेम्परेचर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग टाइम सेट कर सकते हैं टाइमर बटन से। और ये बटन है टेम्परेचर कि आप इससे टेम्परेचर को देख सकते हैं कि कितना टेम्परेचर अभी है यहाँ पर। इंडक्शन पर आप एल्युमिनियम के अलावे कोई भी कुकवेयर यूज कर सकते हैं, चाहे वो स्टील हो, कॉपर हो, ब्रास हो या फिर आयरन का हो। सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है कि जो भी यूटेंसिल आप इस पर यूज करें उसका बेस जो है इस तरह फ्लैट होना चाहिए तो यह इस पर अच्छे से काम करेगा। या फिर अगर जो भी आप यूटेंसिल यूज कर रहे हैं वह इंडक्शन बेस होना चाहिए, इसका बेस जो है वह इस तरह से फ्लैट आता है, तो आप इस तरह का यूटेंसिल भी परचेज कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास जो भी फ्लैट बेस का यूटेंसिल है वह इस पे आप यूज कर सकते हैं। इस पे आप देख सकते हैं इनर और आउटर लाइनिंग दी हुई है, तो आपको जो भी कुकवेयर चढ़ाना है वह इसी एरिया में होना चाहिए।
ये नहीं कि आपने कभी भी इस तरह से रख दिया। आपको इस तरह से कहीं भी प्लेस नहीं करना है, आपको प्रॉपर विद इन दिस लाइन ही आपको कुकवेयर को प्लेस करना है, जिससे कि आपकी प्रॉपर कुकिंग हो जाएगी। तो अब मैं इसको यूज करके दिखाती हूँ। मैंने वायर को मेन प्लग में लगा दिया है और उसका स्विच ऑन कर दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑन ऑफ का जो बटन है वो ब्लिंक कर रहा है। तो सबसे पहले इस बटन को हमें प्रेस करना है। तो ये मैंने प्रेस कर दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 डॉट दिख रहे हैं। और मैंने अभी यहाँ पर कोई भी मोड सेलेक्ट नहीं किया है, ना ही कोई यहाँ पर यूटेंसिल मैंने रखा है। तो ये थोड़ी देर में ऑटो ऑफ हो जाएगा, यही इसका बेस्ट फीचर है। आपने देखा कि ये जो 4 डॉट थे ये हट गए हैं और ये ऑटो ऑफ हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर कोई भी यूटेंसिल इस पर रख देते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक फ्लैट बेस वाला यूटेंसिल जो है इस पर रख दिया है। और अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो इस पानी को मैं अभी आपको बॉईल करके दिखाऊंगी। मैंने ऑन ऑफ का जो बटन है वापस ऑन कर दिया है और यहाँ पे मोड मैंने जो सिलेक्ट किया है वो है मैनुअल। आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग बाट है, यहाँ पर 120 बाट, 500 बाट, 800, 1000, 1300, 1600, 1800 और मैक्सिमम जो है वो 2100 बाट है। तो आप इस प्लस से टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकते हैं और ये जो माइनस दिया हुआ है इससे आप टेम्परेचर को डिक्रीज कर सकते हैं। तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जिस भी टेम्परेचर पर आपको कुकिंग करनी है आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर बीच में कोई परेशानी आती है आपको, आप चाहते हैं कि बंद करना है, कोई भी चीज़ बॉयल होकर के एकदम से ऊपर आ गया है, तो आप पाउज का बटन भी पुश कर सकते हैं जिससे कुकिंग जो है वो स्टॉप हो जाएगी। वापस आप पाउच को हटाना चाहते हैं तो इस बटन को क्लिक कर देना है। आप देखिए कितनी जल्दी ये पानी में से स्टीम आने लगा है और कितना फास्ट इसमें पानी बॉईल हो जाएगा। देखिए पानी बॉईल भी होने लगा, 1 मिनट भी नहीं लगा और पानी बॉईल हो गया। अब मैंने यहाँ पर पाउज कर दिया तो ये बॉयल होना स्टॉप हो गया। वापस हम पाउज बटन पर क्लिक करेंगे तो ये वापस जो है पानी बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये पानी बॉयल हो गया है तो हमें ऑन ऑफ का जो बटन है उसको पुश करके और ऑफ कर देना है। आप ध्यान रखें कि आपको डायरेक्ट मेन स्विच से ऑफ नहीं करना है। अगर आप डायरेक्ट मेन स्विच से ऑफ कर देते हैं तो इससे इंडक्शन हमारा जल्दी ख़राब हो जाता है, क्योंकि जब हम पहले ऑन ऑफ का बटन क्लिक करके ऑफ करते हैं तो फैन जो है कुछ देर तक इसका ऑन रहता है और ये इंडक्शन जो है ऑटोमेटिकली कूल होता रहता है। तो ये फैन जो है कुछ देर में जब ऑफ हो जाएगा विद इन 2-3 मिनट्स तो आप मेन स्विच से ऑफ कर सकते हैं इसको। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें अगर आप इंडक्शन यूज कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी टिप है, आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिए तो आपका इंडक्शन जो है लंबे टाइम तक चलेगा। आप सुन सकते हैं फैन की आवाज, मैंने ऑफ कर रखा है लेकिन फिर भी फैन जो है अभी इसका वर्क कर रहा है, मैंने अभी मेन स्विच से ऑफ नहीं किया है। तो कुछ ही देर में जब ये फैन ऑफ हो जाएगा तो हम मेन स्विच से ऑफ कर देंगे। फ्रेंड्स देखिए विद इन 1 मिनट 2 मिनट ही ये फैन ऑफ हो गया है, अब हम मेन स्विच से ऑफ कर सकते हैं। तो मैंने मेन स्विच से इसको ऑफ कर दिया। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको आज का इंडक्शन का ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। अगर आप और भी प्रोडक्ट का रिव्यू चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं इसी तरह के प्रोडक्ट का रिव्यू लेकर आती रहूँगी। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। मैं इसी तरह की यूज़फुल वीडियो लेकर आती रहती हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।